What's up everyone, welcome back to the channel. So this is going to be my first vlog. So आज से थोड़ा vlogger वाला feel भी ले लेते हैं because हम लोग आए हुए थे दुबई on vacations. So I thought कि ठीक है यार थोड़ा बहुत shoot करेंगे, कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें हों आपको बताऊँ so that कल अगर आप आओ तो आपको चीज़ें पता हों कि किस तरीके से कैसे होती हैं because airport से hotel पहुँचने तक भी हम लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिला. So let me share that with you all because sharing is caring always. तो ठीक है यार, I'm not a professional vlogger. I will just try to shoot as much as I can और मैं जितना आपको बता पाऊँ उतना बताने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा, बाकी देखते चलो. दुबई में आज द वेरी फर्स्ट डे, लेट्स बिगिन. हम लोग आज ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा दुबई मॉल. तो आई थॉट आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा दूँ. तो दिस इज़ बेसिकली दुबई मेट्रो बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रेवल इन लोकल. क्योंकि अगर आप लोग टैक्सीज या कैब्स लोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव हेयर. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू ट्रेवल वाया मेट्रोज. अब मेट्रोज में मेक श्योर कि आप लोग सबसे पहले एक एनुअल कार्ड बनवा लो जिसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज़ अ गोल्ड क्लास केबिन, और दूसरी तरफ होता है हमारे पास सिल्वर क्लास जो आगे होता है. तो जो गोल्ड क्लास के प्राइजेज हैं दीज आर जस्ट डबल देन सिल्वर क्लास. बट गोल्ड क्लास में ये होता है कंफर्टेबल होता है, तो आप जैसे मर्जी बैठ सकते हो, आराम से जा सकते हो. तो अगर आपको अच्छे से इंजॉय करना है तो गोल्ड क्लास, अदरवाइज सिल्वर क्लास नॉर्मली जैसे हमारा दिल्ली वगैरह में होता है, दैट इज़ बेस्ट. तो दिस इज़ बेसिकली द कनेक्टिंग स्टेशन दैट इज़ बर्जमिल. ये ग्रीन और रेड लाइन को कम्बाइन करता है. तो लेट्स सी कैसी चीज़ें होती हैं, आई शो यू अप एवरी थिंग ताकि जब भी आप दुबई आओ आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके लिए ईजी रहे, कम्फर्टेबल रहे. At the last point. So this is you can see अभी हम बर्जमिल पे हैं. यहाँ से रेड लाइन चलेगा और हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं 25th बुर्ज खलीफा. इस दुबई मॉल में एंटर करते ही हम लोग जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो है द स्काई व्यूज. तो लेट मी शो यू, दिस इज द स्काई व्यू. एंटर करते ही आपको सबसे पहले स्काई व्यू मिलेगा. यहाँ से हम लोग अंदर अगर जाएँ तो कुछ इस तरीके का है. सब 64th फ्लोर से होता है बस, आई एम नॉट श्योर, ऊपर से समथिंग लाइक दिस. क्यू में लगते हैं और फिर टिकट लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ. सो गाइज, हम लोग आए हैं स्काई व्यूज और द टिकट कॉस्टेड अस 80 dirhams एंड 80 dirham फॉर वन, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक वाला टिकट लिया है और एक प्रीमियम है दैट इज़ फॉर 499 dirhams. वन दरम अभी फॉर नाउ इट इज़ अबाउट 22.50 rupees. तो अब देखते हैं कैसा होता है, लेट मी शो यू. स्काई वॉक पे लेट मी शो यू द एंटायर अमेजिंग थिंग.
जस्ट हैव अ लुक। एडवेंचर के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है, मतलब इतने बड़े बड़े लाइंस मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर सम स्लाइड्स। लुक थैंक यू। फाइनली हम लोग थोड़ा सा बैठ सकते हैं। So trying to get tickets here. There's a long queue once again. Have a check. And also I find a very positive note here, if you can see. Amazing, amazing. So let's wait. We'll buy tickets और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर होती हैं। नॉर्मल टिकट तो आपको ऐसे क्यू में लगना पड़ेगा, बट अगर आप फास्ट ट्रैक लेते हो तो यू कैन गो डायरेक्टली इन, लाइक हमने किया, तो हमने ये सब क्यू मिस कर दिया। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक टिकट। सो गाइज अभी मैं आ गया हूँ पाम द व्यू पे, और यहाँ पे दो टाइप के टिकट्स हैं। अगर आप एक टिकट लेते हो नॉर्मल वाला तो इट विल टेक यू टू 52nd फ्लोर, और अगर आप फास्ट ट्रैक लेते हो तो उसमें कुछ 54th फ्लोर तक आप आ सकते हो। एंड दिस इज हाउ द एंटायर आइलैंड लुक्स लाइक, गिव अ गो थ्रू। थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ ग्रेट लुक। फोर्थ फ्लोर जो मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप फास्ट ट्रैक लेंगे तो ही अलाउ करेंगे, नॉट फॉर जनरल पब्लिक, बट इफ यू टेक अ जनरल पास तो उसके लिए 52nd फ्लोर। लेट मी शो यू।
didn't even pay any यार वो तो स्पोर्ट था अभी हमें एक एक कॉफी के साथ बोले बड़ा अच्छा This is how the view looks. और मुझे लगा है कि आपको अच्छा लगा होगा बाकी let me show you some other things. So guys, finally we are back home और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत सारी clips देख ली होंगी और क्या क्या हमने कैसे कैसे किया आपको पता होगा but finally let's conclude the things so that आपको easy रहे and Raghav is going to help me out in all this. तो हम लोग सबसे पहले we are staying at Bird Dubai और Bird Dubai is a great place to stay मतलब पास में ही मेट्रो कनेक्टिविटी पास में ही सारी चीज़ें हैं तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टे तो दिस इज़ अ गुड प्लेस और साथ साथ यहाँ के जो प्राइजेज हैं वो भी जेन्युइन है मतलब अगर आप बुर्ज खलीफा के आसपास कहीं रहोगे तो मे बी आई थिंक वो यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है बुर्ज खलीफा इज़ नॉट दैट फार बिल्कुल यहाँ से पास में मेट्रो स्टेशन आता है हमारा कौन सा मेट्रो शरफ डीजी हाँ शरफ डीजी मेट्रो स्टेशन और यहाँ से तो बहुत ही पास है और आप इजिली जा सकते हो तो आज हम सबसे पहले गाइज गए थे कहाँ आज हम सबसे पहले हमने मेट्रो लिया हम लोग गए बुर्ज खलीफा वहाँ से उतरे वहाँ से हम लोगों ने लिया स्काई व्यूज हाँ स्काई व्यूज गाइस तो सबसे पहले आपने देखा था वो था स्काई व्यूज में आप लोग एज वॉक कर सकते हो आप लोग 52nd फ्लोर पे आई गेस हम लोग गए थे कितने फ्लोर 55th फ्लोर आई थिंक था वो मतलब 52nd कुछ ऐसा फ्लोर पे था जिसपे और जिसमें हमने वो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने की बिल्डिंग थी और पूरा ग्लास हाँ ग्लास वॉक आपने देखा और उसका जो टिकट था इट कॉस्टेड अस समवेयर अराउंड 80 dirhams का मतलब नॉर्मल में था और एज वॉक अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो तो वो एक रोप टाई करके आपको थोड़ा सा आगे ऐसे स्लाइड कर देते हैं तो वन दिरम कॉस्टेड अस INR 22.50 नियर अबाउट 22-23 रुपए का एक दिरम है तो नियर अबाउट 80 dirhams का हमें वो स्काई व्यू वाला सिस्टम मिला था उसके बाद वहां तो और कोई खर्चा नहीं हुआ नहीं बस एजवॉक अगर कोई लेना चाहे थोड़ा सा हम लोगों को तो लग रहा था कि रिस्की है वो 500 dirhams हमने नहीं किया था विद एजवॉक इट वाज 499 dirhams इंक्लूडेड उसमें फूड ड्रिंक्स आई गेस सब कुछ था हाँ आई थिंक यस हाँ उसके बाद हम लोग गए थे उसके बाद हम लोग वैसे तो बराबर में दुबई मॉल है बट हम लोगों ने वो भी नहीं गए उसके बाद हमने दोबारा मेट्रो लिया हम लोग होकर आए पाम आइलैंड हाँ पाम आइलैंड गाइस जो सेकंड आपने देखा था व्यू बिल्कुल ऊपर से वो हाँ। पूरी तेज हवा चल रही थी और पूरा आइलैंड आपने देखा पाम ट्री जैसा व्यू पाम द व्यू आई गेस हाँ पाम द व्यू करके था उसमें भी दो कैटेगरीज था हाँ उसमें भी गाइस दो कैटेगरी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप नॉर्मल लेते हो टिकट तो इट वॉज समवेयर अराउंड 165 dirhams हाँ 165 dirhams के अराउंड था और हमने फास्ट ट्रैक वाला लिया था तो फास्ट ट्रैक में आप रो में नहीं लगोगे बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट था आई बिलीव कि अगर हम लोग वो ना लेते तो हम लोगों के 2-3 hours अगर अगर आप लोग पाम द व्यूज में जाओगे तो ऑलवेज रिमेम्बर आपको सनसेट के टाइम पे जाना है समवेयर अराउंड 4 PM मतलब वो बेस्ट टाइम है हम लोग लेट थे तो वी वुड रिकमेंड कि आप 3:30 तक पहुंच जाओ क्योंकि अंदर भी अगर आप फास्ट ट्रैक भी लोगे तब भी आपको 30 मिनट्स लग जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचने के लिए और नॉर्मल तो और आई थिंक 1.5 hours और 2 hours का हाँ, मतलब एटलीस्ट 100-150% हम लोगों के आगे था नॉर्मल टिकट जो था वो था समवेयर अराउंड 160 और हमने जो फास्ट ट्रैक लिया था इट वॉज अराउंड 235 dirhams अब उसमें भी डिफरेंस है नॉर्मल टिकट 52nd फ्लोर तक था और फास्ट ट्रैक वाला 54th फ्लोर तक था तो उसमें भी आपको नेक्स्ट लेवल व्यू आएगा तो इफ यू वांट टू स्पेंड मेरा मानना है यार होटल वगैरह पे थोड़ा कट डाउन कर लिया करो क्योंकि तुम घूमने आए हो तो तुम होटल में तो रहोगे नहीं रादर देन स्पेंडिंग मच ऑन होटल्स आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक्सपीरियंसेस पे खर्चा करो टिकट्स वगैरह अगर आप ले सकते हो तो यू कैन टेक फास्ट ट्रैक और इस तरीके की टिकट से तो आपको बहुत टाइम सेव होगा और आपको बड़ी बड़ी क्यूज में नहीं लगना होगा एंड आफ्टर दैट बस हम लोग 52nd फ्लोर पे आ गए थे फिर हमने कुछ कॉफ़ी वगैरह ली जो कि एक नॉर्मल ही कॉस्ट कर रहा था मतलब ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो या कुछ हो ठीक है जो बाहर रेट था वही वहाँ पे रेट था मतलब ऐसा कुछ खास एक्सपेंसिव नहीं था बस दिस इज ऑल वी डिड टुडे उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपना होटल में
और फिर अपना और आपके सामने ये छोटा सा ब्लॉग शूट कर दिया। बट आई थिंक एक चीज़ और बहुत बढ़िया थी यहाँ की जो मैंने नोट करी है, द टैक्सीज। हाँ टैक्सीज आर गुड, बट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कल, क्योंकि आज का व्लॉग हो गया बहुत बड़ा और वी आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड। करेक्ट। तो इफ यू गाइस फील कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा और इस तरीके की चीजें बढ़िया लगी तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम लोग कल का भी पूरा व्लॉग शूट करेंगे और इसी चैनल के ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो गुड नाइट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। मुझे वही पढ़ाने वाली फीलिंग आती है। तो टेक केयर एंड बाय बाय।